नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। आप देख रहे हैं टीटी न्यूज पर टीटी जॉब, और आज के टीटी जॉब में हम आपको बताएंगे कि जहां भारतीय रेलवे की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। रेलवे एनटीपीसी के रिजल्ट में घोटाले की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि रेलवे ने एक और नोटिस जारी कर विद्यार्थियों के गुस्से को और बढ़ा दिया है। दरअसल रेलवे बोर्ड ने सोमवार को एक नोटिस जारी कर कहा कि ग्रुप डी की परीक्षा एक नहीं बल्कि दो एग्जाम के तहत ली जाएगी। आपकी जानकारी के लिए पूरा माजरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म छात्रों ने 2019 में ही भरा था, जबकि रेलवे की तरफ से सितंबर 2019 में परीक्षा लेने की बात भी कही गई थी, लेकिन हमेशा की तरह रेलवे ने इस बार भी परीक्षा लेने में देर कर दी है। उसके बाद डिपार्टमेंट ने कहा कि वह परीक्षा को दिसंबर 2021 में लेगी, लेकिन एक बार फिर बोर्ड अपने वादे से चूक गई। अंत में बोर्ड ने 23 फरवरी से रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा लेने की बात कही है, लेकिन इस बार रेलवे बोर्ड ने एक नोटिस जारी करके कहा कि भर्ती के लिए दो चरण की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। उम्मीदवारों को पहले CBT 1 क्लियर करना होगा, जिसके बाद CBT 2 का आयोजन किया जाएगा। रेलवे के इस नोटिस के बाद विद्यार्थियों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। नतीजतन उन्होंने कल बिहार के कई जगहों पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बिहार शरीफ, नवादा और पटना शामिल है। परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कल हजारों की संख्या में परीक्षार्थी दोपहर पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंच गए और अप व डाउन ट्रैक को जाम कर दिया। यह जाम शाम तक चला। स्थिति को देखते हुए पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और SSP राजेंद्र नगर टर्मिनल पहुंचे और छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब छात्र किसी की बात सुनने को राजी नहीं हुए और हंगामा करते रहे तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस भी छोड़ने की नौबत आ गई। अब सवाल यह है कि क्या यह सही है कि रेलवे बोर्ड अपनी परीक्षाओं में इतनी देरी करे और अचानक से नए नियम लाकर थोप दे। सरकार को विद्यार्थियों के मद्देनजर यह सोचना आवश्यक है। तो फिलहाल आज की टीटी जॉब में इतना ही। आप देखते रहे टीटी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।